स्टार्ट करें ऊपर से, एक एक क्वेश्चन जो अब छूटे हुए हैं कवर करते जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 16। अच्छा, हम लोगों ने जो लास्ट सेशन में सीखा था वो कुछ ये सीखा था कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस क्या। अच्छा, इसके बाद मटेरियल प्राइस वेरिएंस सीखा था और मटेरियल यूजेस वेरिएंस या क्वांटिटी वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में था डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी, इन टू ये होता है डिफरेंस, इन टू इसको दो पार्ट में तोड़ा था, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस में रहता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी। हाँ, क्या कर रहे हो भाई, टोटल डिफरेंस हटा देते हैं, केवल मिक्स का डिफरेंस रहता है, तो एक्चुअल के बराबर हमको रिवाइज निकालना पड़ता है मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। इसके अलावा मैंने देखा था यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई, दिस वॉज द फॉर्मूला, हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग थ्री सॉल्व करते हैं, जरा ढंग से देखें। कहता है फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2016। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर वन यूनिट ऑफ आउटपुट, एक यूनिट का आउटपुट निकालना है। बुक बंद कर दें, बुक बंद करें। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर वन यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी हमें, हमने कहा था एक ही चीज पर ध्यान देना है हमेशा, आउटपुट, इक्वल आउटपुट्स पर ही हमारे कैलकुलेशंस होंगे। बस यहीं पर आकर के मैंने कहा गलती होती है। अच्छा, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल है 25 रुपीज पर केजी, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेस्ड है इतने रुपए पे, ओपनिंग कुछ नहीं है, क्लोजिंग 600 है एंड एक्चुअल आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड इतने यूनिट्स। मटेरियल प्राइस एंड यूजेस वेरिएंस, सबसे पहले हमको तो एनालिटिकल चार्ट बनाना पड़ेगा, यस और नो। सॉल्यूशन थ्री, इसको अगर सक्सेसफुली बना लिए तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा, ज्यादा लंबा चौड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें मिक्स निकलना नहीं है, एक ही यूनिट है, है ना। स्टैंडर्ड एक्चुअल, हमको बजट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक यूनिट का दिया हुआ है, कितनी यूनिट्स का दिया है ना, एक यूनिट का, जबकि एक्चुअल में हमारे निकल रहे हैं, देखो ये एक यूनिट का बजट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना है, तो हमारे दिमाग में यहां पर कितना रहना चाहिए, स्टैंडर्ड कितने का बनना चाहिए, अब तो क्लियर है। अच्छा, कहता है स्टैंडर्ड प्राइस क्या रेट है, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 600। इसका मतलब एक्चुअल यूनिट्स कितने यूज हुई, परचेस कितने का है, तो परचेस प्राइस है 3000 किलो का 91,500। व्हाट इज द रेट पर केजी, 30.5। बोलो, अब देखो क्या क्या डेटा हम लोगों ने यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, ये यूज हो गया, नहीं यूज हुआ ये,
25 रुपये, 3,000 यूज़ हो गया, ये भी यूज़ हो गया, सारी चीज़ें यूज़ हुई, 30 केजी। एक यूनिट को निकालने में हमको 30 किलो लगता है, कितना? 30 किलो। एक यूनिट का आउटपुट निकालने में कितना लगता है? तो 82 यूनिट्स निकालने में कितने किलो लगेंगे? दैट वॉज एक्सपेक्टेड, यस और नो? हो गया काम। 61,000 73 हो गया, आ गया रिजल्ट। हमें सबसे पहले क्या, कौन सा वेरिएंस निकालना है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। जो बोलता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट हेयर मींस द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, दोनों बराबर होने चाहिए ना एक्चुअल आउटपुट के। अच्छा, कितना कितना है? स्टैंडर्ड है 61,500 माइनस 73,200, घाटा हो गया ना, कितने रुपए से? 11,700 हमारा एडवर्स रिजल्ट है। अगेन इट विल बी बाइफर्केटेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड द सेकंड वन इज मटेरियल यूजेज वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस इज द डिफरेंसेस ऑफ स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एंड द मटेरियल यूजेज वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन द, यस और नो? यहां पर किस रेट को यूज करेंगे? क्वांटिटी को, एक्चुअल क्वांटिटी। यहां कौन सा रेट यूज होगा? अब क्लियर है? जरा देखो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी, 2400। स्टैंडर्ड प्राइस कितना था? 25 माइनस 30.5, 13,200 रुपए का एडवर्स आ गया। पूछो क्यों? क्योंकि एक्चुअल ज्यादा लग गया है। यहां पर जरा देखो 2460 एंड 2400, तो यहां फायदा हो गया क्योंकि एक्चुअल कम लगा है, 1500 फेवरेबल। मैच किया क्या? हाँ, आ गया आंसर। और क्या करना था? मिक्स तो निकाल ही नहीं सकते, तो लिखो। गॉड नोज। अरे इंसान जब हम पढ़ाते हैं तो उस समय ध्यान नहीं देते, तो कितना आराम से करवाया है। अब इतना सिंपल क्वेश्चन इतने आराम से क्या है? एक यूनिट बनाने पर बजट का 30 किलो लगता है, तो 82 यूनिट्स बनाने पर कितने किलो लगेंगे नहीं बता सकते हो? नोट हो गया? चलें क्वेश्चन नंबर 4। कहता है द फॉलोइंग डेटा इज ऑप्टेंड फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ प्रियांशु लिमिटेड। स्टैंडर्ड मिक्स, ढंग से सुनेंगे, मैं फिर बोल दे रहा हूं, जहां तुम लोगों ने इस चैप्टर को थोड़ा भी अंडर एस्टिमेट किया वहां से कल्याण होगा। हर एक क्वेश्चन कुछ नई चीज बोलेगा, कुछ नया सिखा करके जाएगा। करना कुछ नहीं है, केवल डेटा अरेंज करना है, आपका आंसर आ जाएगा। बस ये चार्ट बनाना, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, ये चार्ट बनाना समझ में आ जाए कि कैसे कैलकुलेशंस होते हैं, बस बात खत्म। रटवा नहीं रहे, लेकिन हाँ तब भी ये समझो कि कैसे ये रीअरेंज होते हैं चीज़ें, कॉमन सेंस वाली बातें। कुछ इसके लिए कोई साइंस नहीं चाहिए ज़्यादा बहुत बड़ा। कहता है कि मटेरियल 120 kg, मटेरियल वाई 80 kg लगेगा। रेट दोनों का मालूम है, 200 किलो का हमारा टोटल लगा, मटेरियल 60 किलो का लॉस हो गया। वर्ड क्या लिखा हुआ है? अब कुछ समझ में आया? हमने क्या क्या बोला है शुरू से, क्या बराबर करना है और इसका कितना आउटपुट, दोनों में फर्क है ना, दोनों को किसके बराबर करोगे? 150 एक्चुअल। बस काम खत्म, 2 मिनट लगेगा। चलें, कहता है ये सारे वेरिएंसेस निकालो।
सॉल्यूशन फोर, देख लेना इधर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये स्टैंडर्ड हैं, ये एक्चुअल है, और इस चार्ट का नाम है एनालिटिकल चार्ट। क्वेश्चन देख करके ही समझ में आ रहा होगा कि मिक्स हैं इसमें, तो हम लोग रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का अलग से बना दे रहे हैं अभी से ही। खुश? अच्छा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। कितने मटेरियल है? मटेरियल दो हैं, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। जरा देखो, पूरा देखना कि 120 किलो है गिवन, बजट गिवन क्या दिया है, 120 किलो, 80 किलो, टोटल कितना हो गया? ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये कितना है, 60 किलो का लॉस है, कितना हो जाएगा? ये क्या है, अच्छा रेट क्या दिया है, 25 रुपए और स्टैंडर्ड रेट 25 रुपए, और लिख दिया अपनी जगह पर। एक्चुअल की बात करते हैं, 110 एंड 90 रख दें, कितना हो जाएगा, लॉस कितना है, कितना बचा, ये क्या आया, रेट क्या दिया हुआ है, आ गया ये। इसकी बात करते हैं जहां पर हमें रुकना है। हमने कहा था आउटपुट यहां लिखते हैं, लेकिन यहां अगर यहां ना लिखा हो तो ये आउटपुट ले लेते हैं, यही तो बोला था, फर्स्ट प्रायोरिटी ऊपर वाले आउटपुट की, ना दिया हो तो, अब क्लियर है, तो अब ऊपर नहीं दिया है तो क्या करें, नीचे वाले को बेस ले लें, और अगर यहां आउटपुट वर्ड क्वेश्चन में नहीं भी लिखा होता तो भी हम यही करते जो अब करने जा रहे हैं। तो यहां पर हमें कितने रखने पड़ेंगे, तो अगर 140 पर 2 है तो 150 पर कितना होगा, 214.29, 30 कर दे रहे हैं, बोलो लॉस हो जाएगा 64.60% निकाल लो, 128.6, दो चार रुपए का डिफरेंस आ सकता है, 10 रुपए का डिफरेंस आ सकता है आंसर में, ठीक है ना, टेंशन ना लेना, क्योंकि यहां पर हम फ्रैक्शन हटा दे रहे हैं। 85.7 मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4285, सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड, सारी चीज़ें हो गई, निकालें अब, क्या दिक्कत आई क्या इसमें, बच्चों वाला है बिल्कुल। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं, कैसे निकालेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, हम अगर कुछ ना लिखें तो हमें सीधे मालूम है 7.5 - 7,000 सीधे आंसर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, क्या जरूरत है फॉर्मूला रटने की, सामने दिया हुआ है। अब समझ में आई बात, लेकिन एग्जाम में इस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये लिखना पड़ेगा,
और अगर और डिटेल में लिखना चाहते हो तो SQSP माइनस AQAP ऊपर वाला ही कॉपी पेस्ट कर दो जो ऊपर लिखे हुए डिटेल। कितना आ गया? 7500 माइनस 7350, ये फेवरेबल है। इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल क्वांटिटी या यूजेज वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस इज द डिफरेंस ऑफ द प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड प्राइस। दो तरह के मटेरियल हैं हमारे पास, प्राइस है 25 माइनस 30, दूसरे का प्राइस है हमारा 50 माइनस 45। यहीं से पता चल जाएगा कि हमारा फेवरेबल है या एडवर्स है। पहला वाला एडवर्स है, दूसरा वाला फेवरेबल है, लेकिन कितने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना? 110 एंड 90, 55, 550, क्या आ गया ये 450, तो नेट कितना आ गया? तो इसका आंसर कितना आएगा? 250 फेवरेबल आना चाहिए, तभी तो आंसर सही बैठेगा। एग्जाम में लिख देंगे, आधा मार्क्स तो मिलेगा। चलें आगे। चलो एक्स और वाई की बात करते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 128.6 माइनस 110, 85.7 माइनस 90। स्टैंडर्ड प्राइस दी हुई है 25 एंड 50, 465 फेवरेबल है। हाँ, एडवर्स देखो यार है। अरे याद हो गया, ये तो मैच कर गया, 1 रुपए का भी फर्क नहीं आया। ठीक है, अब इसको फिर से दो पार्ट में तोड़ना है। कौन कौन सा? मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इसके लिए हमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए होती है। मैंने कहा मिक्स वेरिएंस तब निकलता है जब दोनों का टोटल बराबर हो। यहाँ टोटल बराबर नहीं है दोनों का, तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, क्या रखेंगे? टोटल ऑलरेडी रखा हुआ है, हम क्यों दोबारा एफर्ट्स करेंगे? ये स्टैंडर्ड बजट का जो दोनों का रेशियो है, इसका जो दोनों का रेशियो है हमेशा सेम होगा, इसका भी जो रेशियो निकलेगा वो भी हमेशा। तो जब 200 का निकला हुआ है तो काहे के लिए मगजमारी करें, लिख दो 120 एंड 80, दैट्स इट, हो गया रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बोलो, पहले से ही निकला हुआ था, किस्मत अच्छी है। क्या करें? स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाई रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस। दोनों का टोटल डिफरेंस नहीं है, केवल मिक्स का डिफरेंस है। और ये है आपका स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। दोनों के टोटल का डिफरेंस है, रेशियो का डिफरेंस नहीं है, मिक्स का डिफरेंस हटा दिया। अब क्लियर हुआ? ये याद रखना कि हो सकता है किसी क्वेश्चन में मेरा आंसर किताब के आंसर से मैच ना करे, उसके सॉल्व करने का तरीका थोड़ा दूसरा हो, मेरा थोड़ा तरीका दूसरा हो, लेकिन सिस्टम हमारा सही है। क्या क्वेश्चन के हिसाब से नहीं ना बदलना है कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा ऐसे कंसेप्ट हो जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा कंसेप्ट चेंज कर देंगे। कहानी कहानी नहीं चेंज करना है, वो तो हमेशा सेम रहना चाहिए ना। चलो बताओ तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस कितना आया? रिवाइज स्टैंडर्ड 120.80, एक्चुअल क्वांटिटी 110.90। बोलो, देखो यहां का भी टोटल और यहां का भी टोटल बराबर है, केवल रेशियो का डिफरेंस है, दिख रहा है ना? स्टैंडर्ड प्राइस 25 एंड 50, 250 फेवरेबल है, 10 500
एडवर्स है, 250 एडवर्स आ गया, देख लो। ठीक है ना, चले। चलो इसकी बात करो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 128.6 माइनस 120, 85.7 माइनस 80, 215 डिफरेंस नहीं आना चाहिए बाबू। ये कितना आ रहा है, 285 आ रहा है, 500 आ रहा है, 500 माइनस 7 हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? जरा ढंग से देखो इसका कितना आंसर आ रहा है बताते जाओ तो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है, आ रहा है? प्राइस वेरिएंस कितना आ रहा है, आ रहा है? यूजेज वेरिएंस कितना आ रहा है, और इसका 250-500 है। ठीक है ना, कितना टाइम लगा बताओ, नोट कर लो इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 5 तैयार हो। मटेरियल दिया हुआ है, यूजेस दिए हुए हैं केजी में ए बी सी, ठीक है, प्राइसेस दिए हुए हैं। एक टन का हिसाब किताब हमको दिया हुआ है, किसके दिया हुआ है, एक टन का दिया हुआ है। हमने एक्चुअल में कितने टन्स बनाए हैं, तो हमको स्टैंडर्ड को कितने पर लाना पड़ेगा, पक्की बात है, बस बात खत्म, आधा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। ठीक है ना, करें। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट, ये एक्चुअल डेटा है और ये स्टैंडर्ड डेटा है। बजट हमको दिया हुआ है, एक टन का दिया हुआ है, कितने यूनिट्स हैं मालूम है आपको, कौन कौन से मटेरियल हैं, ए बी और सी। ए बी सी, क्या
कितना कितना है एक टन के पीछे? 250, 450, 600, 250, 450, टोटल कितना आ गया? लॉस नहीं ना दिया है? लॉस दिया है क्या? अरे लॉस दिया है या नहीं, सीधे बोलो ना। दिया है 300। एक टन का मतलब क्या होता है? 1,000 किलो। इंसान क्या दिक्कत आई? हमें एक्चुअल कितने टन का बनाना है और स्टैंडर्ड कितने टन का ले आना है? पक्का? कहता है प्राइस है 12, 15 और 20। एक्चुअल में 3,500 टन लगा है मेरा एक्चुअल, 6,100 टन लगा है, 6 टन लगा है, 6,100 केजी लगा है। ये टन्स में दिया है ना, 6,500 किलो लगा है। ये टोटल कितना लग गया है? 16,100। बोलो, और आउटपुट कितना है? 4,100 का लॉस हो गया। आउटपुट तो यही ना, 12 टन। 12 टन का मतलब 12,000 किलो। यूनिट होता तो हम किलो से उसको एडजस्ट नहीं करते, टन दिया है तो किलो में बन सकता है। प्राइस क्या है? प्राइस है आपका 45,500। डिवाइड करके बताओ तो 13। नीचे वाला 14। टोटल बताओ तो। अरे उसका नहीं, टोटल बताना है। रेट का टोटल किसने बोल दिया? ठीक है, अच्छा इसकी बात करते हैं। अगर एक टन में 250 किलो है तो 12 टन में कितना होगा? ये आ गया। एक टन में 450 किलो है तो 12 टन में कितना हो गया? ये आ जाएगा। एक टन में 600 किलो है तो 12 टन में हो जाएगा इतना, ये आ जाएगा 15,000। अच्छा आना कितना है? 3,600 का लॉस है। मल्टीप्लाई तो कर नहीं पाओगे। ग्यारह दो चौवन 6, 7 यार है। चार्ट बन गया, चलिए अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की बात करते हैं। क्या आंसर लिखोगे तुम लोग? 2,61,000 माइनस 2,73,900, 12,900 एडवर्स है। दो पार्ट में बांट दें, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, देखो कैसे आंसर आता है तुरंत बिना टेंशन लिए। 12 में से 13 गया एक, 1 × 3,500 एडवर्स, नहीं प्राइस का डिफरेंस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, फिर प्राइस का डिफरेंस एक 6,100 एक्चुअल क्वांटिटी से। नहीं समझे? नहीं तुम लोग ऐसे मत करना, अभी और शॉर्ट हो जाएगा। चाहोगे तो ये सब बनाना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर कट कर। ये चार्ट आ गया तो उसके बाद तो कुछ बनाना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। लेकिन एग्जाम में मार्क्स, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस मल्टीप्लाइड बाय मटेरियल यूजेस वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा 12, 13, 15, 14 2022 सब एडवर्स है। इंसान हो, 3,500 ये एडवर्स है, 6,100 फेवरेबल है,
तो नीचे वाला ये होता है ना, 13,000 एडवर्स है। हाँ बताओ, 16,500, 10,400, 500। सही है ना? क्वांटिटी की बात करो, 3, 3.5। चौवन सौ, 6,100। लास्ट 7,200, 6,500। इस गलती और भ्रम में मत रहना कि ये लास्ट वाला ज्यादा होगा तो एडवर्स आएगा। रट्टा मत मार लेना, बीमारियां बहुत बड़ी बढ़ेंगी। बस ये याद रखना है, जब भी एडवर्स और फेवरेबल लिखो तो एक्चुअल ज्यादा है तो हमारा एडवर्स है। बात समझ में आई? दिमाग में क्या दौड़ाओगे जब भी लिखोगे कि एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा लग गई, एडवर्स है, एक्चुअल प्राइस ज्यादा लग गया, एडवर्स है। बस ये याद रखना है, ये मत रट्टा मार लेना ये माइनस में आ रहा है तो एडवर्स लिख दिया। यही कर रहे थे ना? प्राइस, छः हजार एडवर्स, 10,500 एडवर्स, फेवरेबल है, 1,500 एडवर्स है। देखो दोनों मिलाओ तो आ रहा है क्या? क्या ये 2,500 दोनों को देखो तो मैच कर रहा है क्या? ठीक है ना, चले आगे। इसको दो पार्ट में तोड़ना है अब। कौन सा? मैटेरियल और मैटेरियल इल्ड मतलब होता है आउटपुट, या जनरेशन गैप, यहाँ सोचने सोचने का फर्क। जो चैप्टर तुम 10 घंटे में कर सकते हो, बगल वाला 9 घंटे में कर सकता है, हो सकता है 12 घंटे में करे, ठीक है ना? मटेरियल मिक्स वेरिएंस, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, दोनों के टोटल का डिफरेंस को हटाना है और ये हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस। यहाँ मिक्स वेरिएंस हटा देना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस, अब रिवाइज निकाल लें। ये है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कैसे निकालोगे? अरे क्या रखोगे भाई, कि अगर हमने भी यहां पर एक्चुअल के बराबर रोका होता तो क्या होता? नहीं, तो 1,300 पर 250, तो 16,100 पर कितना? 3,096 0.15। सबका रेशियो बराबर है, ये जो ले लो, किसी एक को बेस ले लो। नहीं समझे? रेशियो तो सब बराबर ही होगा। ये आ जाएगा 5573, ये हो जाएगा 7,430.85। देखो मैच कर रहा है। आ गया? बोलो आ गया? चलो देखो जरा, रिवाइज स्टैंडर्ड 3,096.15, दूसरा कितना है? 5,573, लास्ट 7,430। चलो एक्चुअल क्वांटिटी रखो, ऊपर दिया हुआ है 3,500, 6,100 मल्टीप्लाइड बाय 12, 15 एंड 20। इधर का बताओ, 3,000, 5,400, 7,200,
3096.15, 5373, 7430.85, बता सकते हो आंसर? फोर एट फोर सिक्स पॉइंट टू। ये क्या है, एडवर्स? हाँ, क्या है? हाँ, ये फेवरेबल आएगा। कितने से? 18,000। 617। हाँ बताओ कितना आया। हाँ, 5865। क्या आ गया फेवरेबल? इसका बताओ। फिफ्टी? आवाज नहीं। हाँ, बोलने के लिए बोल देना। हाँ, आवाज नहीं का मतलब ये नहीं है। 405। कितना आया? 5865.8। क्या एडवर्स? हाँ, टोटल करो दोनों का। 5865। माइनस करके बताओ। 5865। कितना डिफरेंस आ रहा है? 500। कहीं टोटल का मिस्टेक है? ये कितना था? 5573 था। ये हमने 5573 लिख दिया है। हमारी राइटिंग हम नहीं पकड़ पाए। 2595। हाँ, तीनों को जोड़ो। 8365.8 मल्टीप्लाई, चलो माइनस करो। 5। गलती होने की चांसेस इसलिए नहीं क्योंकि 2 और 2 4 होता है, 5 होता है। जाहिर सी बात है, यही 2500 है। इसी में ही एक जगह प्लस किया, एक जगह माइनस किया, आंसर तो वही आना है। सोचना क्या है उसमें? आ रहा है साफ? सॉल्यूशन नंबर कौन सा? ये 5। मजा आ रहा होगा अब? नहीं आ रहा? असली मजा तब आता है जब एग्जाम में सॉल्व हो जाता है। जरा देखो कितने कितने इसके आंसर आ रहे हैं। 12,900 एडवर्स क्या आया है? ये कौन सा वेरिएंस है? कॉस्ट वेरिएंस 12,900 आ रहा है। प्राइस वेरिएंस 10,400 एडवर्स। देखो आ रहा है क्या? अच्छा,
ये पता नहीं क्या लिखा है, मटेरियल 25,050 लिखा है शायद, 2500 ठीक है। और 5867 है मिक्स वेरिएंस, मैच कर रहा है सब ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 करवाया दिया था, ये 2 मिनट लगेगा। स्टैंडर्ड है, मिक्स वगैरह कुछ नहीं निकल पाएगा। एक ही क्वांटिटी है ही, ये स्टैंडर्ड डेटा है, ये एक्चुअल डेटा है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल कॉस्ट। क्या दिया है क्वेश्चन में, 100 किलो मटेरियल 70 किलो आउटपुट के लिए बजट दिया है ना, 100 किलो मटेरियल 70 किलो के आउटपुट के लिए, तो ये आ गया। और जो 100 किलो मटेरियल लगा है उसका रेट कितना है, आगे चलें। एक्चुअल में 25,000 यूनिट लगे हैं, किलोग्राम सॉरी, 606,250। बोलो आउटपुट कितना आया है, 17,080, तो बाकी नुकसान हो गया 7,920, ये लॉस है। ये इनपुट हो गया और ये जब ऊपर आउटपुट ना दिया हो तो इसी को बेस लेकर के चलेंगे। अच्छा अब क्या करना है, कुछ और भी दिया है क्या, नहीं, क्या करें बताओ, आउटपुट बराबर करें ना करें, कितना रख दें, तो 17,080 डिवाइडेड बाई 70%, 24,400, 7,320, अरे बोलो ना, अरे तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकल जाएगा, हाँ 3,750 एडवर्स, दो पार्ट में तोड़ दें, प्राइस वेरिएंस एंड यूजेस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस देखो 25 और इसका क्या रेट है, 24.25 माइनस 25 फेवरेबल है 25,000 यूनिट्स पर, 18,750 ऊपर वाला। चलो यूजेस वेरिएंस निकालो, यूजेस क्वांटिटी का डिफरेंस 24,400 माइनस 25,000 इंटू 25 कर लो 15,000, आ तो क्या, दिस इज योर आंसर। नहीं आगे कहता है इस क्वेश्चन में मटेरियल इल्ड वेरिएंस निकालो, उड़ी बाबा, कौन सा बाबा, हाँ हम करें कौन सा बाबा, कह रहे उड़ी बाबा कैसे निकलेगा। मिक्स वेरिएंस का मतलब होता है हमको बराबर करना पड़ता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, हाँ या ना, दिया कहाँ है, दो सामान होंगे तभी मिक्स निकलेगा, है ही नहीं तो मिक्स तो निकलेगा नहीं। लिख लो 25,000 लिख लेते हैं, लो हो गया, मिक्स निकालो
रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी जीरो आ जाएगा, खुश? तो जो बचेगा यहीं पर आएगा। हो गया आंसर। इसमें का क्या आया है जरा देख लेते हैं, पता नहीं कोई नौटंकी ने किया हो, आया है ठीक है ना, सोचने की जरूरत ही नहीं थी। सॉल्यूशन सेवन करवा दिया था ना, एट करवा दिया था, ये हो चुका है, इसको करना है। अच्छा है, एक या दो क्वेश्चन ही बचे हुए हैं अब, खत्म है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज ओवर। और अगर ये खत्म हो गया तो समझ लो लेबर मुश्किल से खत्म, तुरंत यही कॉपी एंड पेस्ट है। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस तुरंत खत्म, कॉपी एंड, बल्कि वो तीन ही वेरिएंस होते हैं, पांच नहीं होते। फिक्स्ड ओवरहेड पांच वेरिएंसेस होते हैं, सारी मेहनत अब तुम लोग को केवल फिक्स्ड ओवरहेड में ही करनी है। यानी एक सेशन और चलेगा, उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस चलेगा, इस लायक हो जाओगे कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन देखा जाए। किताब देख लो, मिला लो। मिला लो तो सॉल्यूशन एट देखो। हमको बुरा लगता है, बेसिकली गुस्सा लगता है, बुरा नहीं लगता, गुस्सा लगता है। बुरा क्यों लगेगा, जरा देखो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी है ना, 500, 400, 300, टोटल 1200, 120 का लॉस है, 1080, ये कॉस्ट दी हुई है, रेट दिए हुए हैं। सेम यही चीज़ देखो यहाँ पर दिया हुआ है, और हमें कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। जो मेहनत हम लोग कर चुके हैं सेम वही मेहनत यहाँ करनी है, कुछ भी नया नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है बिल्कुल। करें सॉल्यूशन एट। यह है स्टैंडर्ड, यह है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल। चूंकि एक से ज्यादा मटेरियल हैं तो हम लोग रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए जगह बना लें स्टैंडर्ड में ही, और चूंकि जो डेटा दिया है उसको हम बजट का नाम देते हैं। तुम लोग चाहो तो गिवन डेटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम बजट का नाम दे देते हैं या एस्टिमेटेड डेटा। यहां पर दिया हुआ है 1080, इसका भी आउटपुट और इसका भी आउटपुट 1080। आउटपुट तो बराबर दिया ही हुआ है, तो दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। 543 क्या क्या मटेरियल है, ए बी सी, लॉस माइनस करने के बाद बारह सौ में से 120 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, अगर ऊपर का आउटपुट ना दिया हो नीचे वाला ले लेंगे, और इसका भी वही दिया है तो हमें कोई टेंशन नहीं है। चार पांच चार हमने डायरेक्ट स्टैंडर्ड में ही लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। टू ट्वेंटी 1080,
रेट्स क्या दिए हुए हैं बता सकते हो? 6375 3। बोलो। इसका देखो 6 3 6 2 80। चार 200, पाँच 200, 11 नहीं भाई, तो इसका हम लोगों ने गलत लिखा है ना। इसका 13 500 कैसे आ जाएगा? 900 है ये, इतना डिफरेंस, तो फिर धंधा किस चीज़ का कर रहा है ये फिर? ठीक है ना, चलें। मटेरियल क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस 5400 माइनस 320। अस्सी का क्या आ गया दो पार्ट में? देखो इधर, मटेरियल प्राइस वेरिएंस 6 माइनस 6 0 आ जाएगा। दूसरे वाले का 3.75, 15 पैसे का डिफरेंस आएगा, 75 का आ जाएगा। इस पे 20 पैसे का फर्क आएगा, 80 का आ जाएगा, 155। निकाल लोगे? यूजेस का देखो, 100 का इंटू 6, 600 फेवरेबल है। 100 का 375 एडवर्स है। 100 का एडवर्स 375 एडवर्स है। आ तो गया आंसर, बोलो। नहीं, मटेरियल मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्या करना पड़ता है? जितना यहाँ इनपुट है वहीं इनपुट अगर यहाँ दे दें तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकल जाएगी। फाइव 41.67, 433.33, 325। अरे बोलो, सही। तो रिवाइज है हमारा 541.67 माइनस 400 इंटू 6, ये आ जाएगा 850 रुपये। बोलो ना, फेवरेबल। दूसरा देखो, 433.33 माइनस 500 एडवर्स आ जाएगा आंसर 3.75 से, 250 एडवर्स, 325 माइनस 400 एडवर्स है 3 रुपए के हिसाब से, 225। बता सकते हो? 475, 375 फेवरेबल। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 450 एडवर्स, तभी तो मैच करेगा। देखा जाए इल्ड वेरिएंस, इल्ड वेरिएंस क्या होता है? रिवाइज माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इन दोनों का डिफरेंस। 41.66667 इंटू 6 कितना आ गया? 250। नहीं समझ में आ रहा कि फॉर्मूला लिखे हैं, प्रैक्टिस नहीं हुई है? इन दोनों का डिफरेंस हमने ले लिया ना, अच्छा, इंटू 6 कितना आ गया? 250। ये है एडवर्स कि फेवरेबल, फेवरेबल यहां पर भी आ जाएगा 33.3333, फेवरेबल आ जाएगा 3.75 के हिसाब से, 125। और जरा देखो, 25 इंटू 3 75 फेवरेबल, क्या हो रहा है?
541 माइनस 500 इंटू 6 250, ठीक है। 433 माइनस 400 इंटू 3.75 125, ठीक है। 325 माइनस 300 इंटू 375 कितना आ रहा है ये? 375 ये तो फेवरेबल आ रहा है। क्यों इधर उल्टा लिख दिया है कि हम लोगों ने? मिक्स वेरिएंस देखो, 541 माइनस 400 इंटू 6 433 माइनस 500 इंटू 3.75, ठीक है। 325 माइनस 400 इंटू 3 225, ये भी एडवर्स है। देखो प्लस माइनस में कहीं गड़बड़ है। ये ठीक आया है 1300। ठीक है, ये तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आया है जरा देखो, 80 फेवरेबल। प्राइस वेरिएंस 155 फेवरेबल है। यूजेज वेरिएंस देखो, 75 एडवर्स है। मिक्स वेरिएंस 375 फेवरेबल है। साढ़े 400 एडवर्स आ रहा है इसका, और हम लोग का कुछ गड़बड़ लिख रहे हैं क्या? सोच घटिया नहीं है हम लोग की? हाँ नहीं नहीं क्या बात, तो दो और दो चार होता है, कैसे गलत हो जाएगा? तुम तो ऐसे गलत होता तो भी तो आंसर मैच करता। एक मिनट रुक जाओ, ये हम लोगों ने कुछ गलत सोचा है क्या? 541, अरे बाबू गलत सोचा ही है तभी तो ये सब एडवर्स है। फॉर्मूला क्या लिखते हो? स्टैंडर्ड माइनस, और हम यहाँ पर पहले इसको लिख करके इसको माइनस कर लेते, एडवर्स ले लेते, इसको करके इसको माइनस करना था ना, ठीक है। हम लोग की सोच घटिया है, ठीक हो गया। दिस इज योर आंसर, नोट कर लो। अरे ठीक लिख लो। रिवाइज से स्टैंडर्ड माइनस नहीं होता है, स्टैंडर्ड से रिवाइज माइनस होता है, रिवाइज, ठीक है ना। चले आगे, पक्का? चलिए एक काम करते हैं, सुने इधर। लेबर वेरिएंसेस, कौन से वेरिएंसेस?
सबसे पहले निकलेगा हम लोग का लेबर कॉस्ट वेरिएंस, क्या क्या प्लस माइनस होगा। यहां पर हम लोग लेबर वेरिएंस में एक चीज याद रखेंगे, आउटपुट सेम होना चाहिए, लेकिन जो वहां स्टैंडर्ड यूनिट्स या किलोग्राम दिया रहता था, यहां स्टैंडर्ड आर्स और एक्चुअल आर्स मायने रखेंगे, यानी बेस हमेशा हम लोग आर्स को लेंगे, यूनिट्स को नहीं लेंगे। ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा तो बताएगा इतने यूनिट्स का एक्चुअल और आउटपुट, लेकिन ये सारी कैलकुलेशन ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी ना होकर के वहां पर स्टैंडर्ड आर्स हो जाएंगे, रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स हो जाएंगे। प्राइस को अब हम आगे से रेट का नाम देंगे, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट। तो बताओ अगर लेबर कॉस्ट वेरियंस निकालना हो तो स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर्स इंटू, बस इतना फर्क है इसमें। नहीं समझ में आई बात? इसको दो पार्ट में हम लोगों को लेकर चलना है। कौन से दो पार्ट बोलो, नाम तो लो। वहां था प्राइस वेरिएंस, यहां लेबर रेट वेरिएंस। प्राइस की जगह क्या आ जाएगा, और यूजेस की जगह लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अगर आप एफिशिएंसी की जगह यूजेस भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं काटेगा। अगर गलती से आपने यूजेस लिख भी दिया, हाँ क्वांटिटी मत लिख देना, ठीक है ना। यूजेस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन सेंस तो अब समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहे। इसको दो पार्ट में फिर से तोड़ेंगे, लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर इल्ड वेरिएंस। इसको कभी कभी सब एफिशिएंसी वेरिएंस भी बोला जाता है। तो अभी हम लोग इसको नाम नहीं ध्यान में रखते, जब आएगा तो देखेंगे, ठीक है ना। ये समझ में आया, समझ में आया, टॉपिक इज ओवर। इसमें नया क्या बताएं अब हम। जैसे वहां रेट वेरिएंस आता था स्टैंडर्ड रेट माइनस, और यहां पर एक्चुअल आर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वहां एफिशिएंसी वेरिएंस, वहां कौन सा वेरिएंस निकलता था, यूजेस वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, क्या दिक्कत है भाई। वहां हम लोग का रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स और एक्चुअल आर्स लिखते, वहां क्वांटिटी में लिखते थे, यहां आर्स में हो जाएगा और स्टैंडर्ड रेट। यहां स्टैंडर्ड आर माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स मल्टीप्लाइड बाय, अरे फॉर्मूले तो सारे बन गए, कुछ करना ही नहीं है, कॉपी एंड लिख लो। काम वही करना है जो हम लोगों ने वहां किया। ठीक है, अब एक काम करो, 5 मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट का, इसमें तुम लोग रिवाइज कर लो, दोनों में डिफरेंसेस देख लो। नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग अब स्टार्ट करेंगे तो केवल लेबर वेरिएंस की बात करेंगे, केवल। थैंक यू बच्चों।